मीटर हो 100 मीटर हो 200 मीटर हो दरेक स्टेट ना आखाए भारत में थी फर्स्ट नंबर ना खिलाड़ियों सेकंड नंबर ना खिलाड़ियों के जिम नो टाइमिंग ए नेशनल नक्की करेल हो के आटला समय में पूरु करियू छे ए खिलाड़ियों आवशे एटले के स्टार खिलाड़ियों राजकोट में आवशे आश्रे 1200 खिलाड़ियों नी आववानी शक्यता छे कारण के जुदी जुदी इवेंट्स जुदा जुदा गेम हो वॉटर पोलो हो એટલે ખેલાડીઓ ઘણા થવાના છે એશિયન એટલે લગભગ 33 કન્ટ્રીઓના ખેલાડીઓ આવશે સ્વિમિંગના અને બેંગ્લોરમાં આયોજન છે આ વખતે ભારતને મળ્યું છે ઇન્ડિયાને અને બેંગ્લોરમાં છે એશિયન એજ કહેવાય છે એ સ્પર્ધાનું સિલેક્શન એ અહીંયા રાજકોટમાં થશે અને એ જે સિલેક્ટરો છે જે સિલેક્ટ કરવાવાળા એ રાજકોટ આવી અને સિલેક્શન કરશે કે આટલા આટલા ખેલાડીઓ જુદી જુદી ઇવેન્ટમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે राजकोट एक बहुत जल्दी से स्मार्ट सिटी बन रहा है और राजकोट में पिछले 10 सालों में बहुत ही नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का प्लानिंग हो रहा है। इस साल 26 to 30 जून राजकोट में नेशनल स्विमिंग जूनियर एंड सब जूनियर चैम्पियनशिप का प्लानिंग है। इसमें 9 साल से 17 साल के करीब 1200 से ज़्यादा बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट हैं। कुल मिला के 19 इवेंट्स हैं। इसमें वाटर पोलो और डाइविंग ये इवेंट्स भी साथ में हैं। तो ये जो इवेंट है ये इवेंट में पूरे देश भर में से जो अलग अलग हमारे राज्य हैं वो राज्य के जो चैंपियंस हैं दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड उसके साथ ये जो अगले महीने जुलाई में बेंगलोर में एशियन एज जो एशिया के 33 कंट्रीज इन विच दे आर पार्टिसिपेटिंग उसमें जो टीम का सिलेक्शन होने वाला है ये हमारी ये जो नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप है उसमें से वो सिलेक्शन होने वाला है। ये जो चैम्पियनशिप है वो चैम्पियनशिप सुबह से शाम रोज रहेगी 7:30 बजे से शाम के 7:30 बजे दोपहर को उसमें विराम मिलेगा और ख़ास करके हम जो राजकोट है वो राजकोट में हर तरीके की सुविधा हमने प्लान की है उसके रहने खाने पीने की सब सुविधा है वो हाई स्टैंडर्ड हमने प्लान किया है और मैं समग्र राजकोट और देश की जनता को मैं एक अपील करता हूँ कि स्विमिंग को एक हम एक अगले मुकाम तक ले जाने के लिए ऐसी जो इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। जूनियर एंड सब जूनियर है जो इसमें सब जूनियर हैं जो सब जूनियर हैं दे आर बिलो 14 ईयर्स सब जूनियर है करीब 500 हैं एंड जो जूनियर हैं और करीब 700 हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे आर्यन नेहरा हैं जैसे रुद्रम है जैसे सावंत हैं जैसे गुजरात के भी 5 खिलाड़ी हैं जो राज्यगुरु हैं दो दवे गर्ल्स हैं ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि ये भारत का भी प्रतिनिधित्व करेंगे।